Good morning, 11th class. So we are on our chapter number 10 of history, displacing indigenous people, where we have already studied who were the indigenous people, कैसे Europeans आए थे North America में, कैसे उन्होंने कितने area के ऊपर कैसे control किया, natives को कैसे उनकी ही space से दूसरी जगह ढकेल दिया गया. Okay, this is what we have already done. Okay, so now we will be basically studying about the last two topics relating to North America. Okay, the first one will be constitutional right. Now in our previous topic we have already understood ki gold rush hua tha aur kaise growth of industrialization ho gayi thi is time pe. Ab hum dekhenge ek naya part is basically is area ka. Ab hum dekhenge constitutional rights jo hain wo kaise develop hue the in these areas. So to be more specific, ये जो democratic spirit है, जो पूरी idea है, ये somewhere जितने भी settlers थे ना, उनके अंदर यहाँ पे कौन से area में, Americas में basically, they all were wanting to kind of fight for their independence. So around 1770s से ये हम देखेंगे, there was a democratic spirit kind of surrounding the people. और इसका क्या मतलब था उस टाइम, बेसिकली ये था टू डिफाइन द आइडेंटिटी ऑफ यूएस अगेंस्ट द मोनार्कीज एंड द एरिस्टोक्रेसीज ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड. यानी मोनार्कीज वी नो, जहाँ पे किंग्स रूल करते हैं, मोनार्क रूल करते हैं, एंड एरिस्टोक्रेसी बेसिकली वेयर द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द रिच पीपल. तो ये और ओल्ड वर्ल्ड कौन सा है, अपना यूरोपियन वाला एरिया, ठीक है, और न्यू वर्ल्ड कौन सा, अमेरिकाज वाला. तो ये बोल रहे थे डेमोक्रेटिक स्पिरिट इनके अकॉर्डिंग था कि इनको अपनी आइडेंटिटी मिलनी चाहिए यूएस के, एज अगेंस्ट द मोनार्कीज एंड द एरिस्टोक्रेसीज ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड. नाउ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू देम वॉज कॉन्स्टिट्यूशन. वो चाहते थे अब बेसिकली जो यूएस के इनहेबिटेंट्स थे, अब दे वॉन्टेड दैट now they should be having a kind of government in which there is something, some sort of a constitution, jahan pe individual ke rights likhe hue hain, jaise ki right to property and few more rights jisko koi bhi government jo hai violate nahi kar sakti. Okay, so slowly and gradually somewhere they are developing the idea of democracy. What is democracy, what is democratic spirit, and what exactly they want. They want a kind of, when they are residing in that particular area, maybe only one section of the European power is exercising their power, so they want that they should also get certain kind of rights related to like citizenship and democratic ideas. तो जितने भी वहां के इनहेबिटेंट्स थे, अब वो उनको इस टाइप का, उनको डेमोक्रेटिक राइट्स चाहिए थे. बट वो डेमोक्रेटिक राइट्स कौन कौन से, एक तो अपना राइट टू प्रॉपर्टी है, और दूसरा है कि राइट टू वोट, जिससे भाई हम अपने लीडर्स को चूज कर सके, जो अपना कांग्रेस है या कौन प्रेसिडेंट बनेगा वो सब चूज कर सके, बेसिकली राइट टू वोट और राइट टू प्रॉपर्टी. ये जो दो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ किसको दिए गए थे अभी तक, ओनली व्हाइट मैन. ओके, दैट मींस ओनली व्हाइट मैन. नाउ अंडरस्टैंड कि दैट मींस समवेयर दिस इंक्लूड ओनली द यूरोपियन पीपल. दैट मींस जो अफ्रीका से स्लेव्स आए थे, जो अब स्लेवरी हट गई थी, उनके पास राइट्स नहीं था, बहुत सारे नेटिव्स के पास भी राइट्स नहीं था. ओके, सो देन व्हाट वाज हैपनिंग वाज that now the other section of the society are also wanting to have rights. Okay, so they are also wanting that we should also have rights. Now regarding this topic only, we have been mentioned about Daniel Paul. ये है एक कनाडा के रहने वाले नेटिव थे. He said, basically he pointed out in 2000 that Thomas Paine, जो कि चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी है, एट दैट टाइम ऑफ द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, ही यूज्ड द इंडियंस, मतलब बेसिकली द नेटिव्स, एज द मॉडल्स ऑफ हाउ सोसाइटी माइट बी ऑर्गेनाइज्ड. जब रेवोल्यूशन की बात हो रही थी, फ्रांस में हो रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिका में हो रहा था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एट दैट टाइम दिस पर्सन थॉमस पेन हैज सेड दैट जो अब हम जो सोसाइटी की बात करें वो कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए. इट शुड बी ऑर्गेनाइज और इट कैन बी ऑर्गेनाइज ऑन द मॉडल ऑफ द इंडियंस.
यानी ही सेड कि जो नेटिव अमेरिकन्स हैं दे आर बेसिकली एग्जांपल समवेयर वी कैन से कि दे आर द पीपल हु हैव सोड द सीड्स फॉर द लॉन्ग ड्रॉन मूवमेंट टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। यानी ये जो आइडिया है डेमोक्रेसी का, इसके बीज किसने डाले थे, इसको स्टार्ट किसने किया था? This was somewhere started by the Native Americans because they wanted their independence, they wanted certain rights. तो इन्होंने start किया था और finally जाके ये जो final आगे जाके इसका जो development हुआ था in the form of revolution where people are asking for rights like equality, right to property, right to vote, right to freedom, these kind of things. Somewhere इनका genesis या हम जो origin है, it can be actually drawn back to the native Indians. So somewhere हमें यहाँ तक तो पता चल गया कि अभी क्या white Indians basically initially Britain powerful हो गया था, उसके बाद then some of the white people actually are having the right to property and right to vote, but not everyone. So this was basically about constitutional rights. Now we will see how things are changing. Here people were discussing only one section of the society was enjoying certain rights, but now we will be noticing ki change kaise aaya situation mein, how did the other people also got this right. Now not till the 1920s actually did things began to improve for the native people. Yani jo US aur Canada hai wahan pe around 1920s tak aisi कोई भी इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं थी जिससे हम बोल सकें कि द नेटिव इंडियंस वर इन गुड कंडीशन, दे वर नॉट एट ऑल इन गुड कंडीशन, स्पेशली द यूएस, स्पेशली इन यूएस एंड कैनेडा. अब एक सर्वे हुआ था द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज बेसिकली डायरेक्टेड बाय द सोशल साइंटिस्ट लुईस मैरियम और पब्लिश हुआ था अराउंड 1928 में, विच वॉज एक्चुअली यू कैन से फ्यू ईयर्स बिफोर जो अपना मेजर इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था. यू ऑल नो वी हैड बीन विटनेसिंग द मेजर इकोनॉमिक डिप्रेशन अराउंड 1929, 1930s एंड सो ऑन, है ना. तो एक मेजर इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट हो गया था, मतलब विल बी बिगनिंग आफ्टर सम टाइम. तो उससे पहले इसके ऊपर सर्वे किया था जिसमें बोला था कि बेसिकली जो नेटिव्स जिनको, इफ यू रिमेम्बर, हमने बोला था दे वर पुश बैक टू सर्टेन एरियाज एंड दीज एरियाज वर रिजर्व्ड ओनली फॉर देम एंड दीज वर कॉल्ड द रिजर्वेशन. तो ये जो रिजर्वेशन एरिया में जो नेटिव रहते थे ना, दीज पीपल हैड वर टेरिबली पुअर इन देयर हेल्थ कंडीशन, देयर वर नो एजुकेशनल फैसिलिटीज, देयर कंडीशन वॉज एक्चुअली वेरी वेरी बैड. ओके, तो यानी ये हमें यहाँ तक पता चल गया कि देयर कंडीशन वॉज बैड एंड समवेयर द पीपल वर नॉट, दीज पीपल वर नॉट समवेयर डूइंग समथिंग फॉर देयर वेलफेयर. सो अब जब ये सिचुएशन हुई तो वाइट जो अमेरिकन्स हैं उनको अब जाके थोड़ी सी सिंपथी फील हुई. फॉर हुम? फॉर द नेटिव्स. ओके, एंड बिकॉज दे थॉट यस देयर इज समथिंग दैट वी आर नॉट डूइंग करेक्ट, एंड वॉट इज दैट, इट इज बेसिकली दैट वी पीपल आर समवेयर बींग, वी आर नॉट लेटिंग देम समवेयर एक्सरसाइज देयर कल्चर टू फुल. हम इनको डिस्करेज भी कर रहे हैं और ये इसी एरिया में रहते हैं, यहाँ के इनहैबिटेंट्स हैं, बट वी आर नॉट इवन गिविंग देम द बेनिफिट्स ऑफ सिटीजनशिप. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि इनसे एडवांटेजेस एंड थिंग्स वर बीइंग टेकन, बट दे वर नॉट गिवन, दे वर आस्क्ड टू फॉलो द रूल्स रेगुलेशंस, बट दे वर नॉट अलाउड टू बेसिकली समवेयर इंजॉय द कंडीशंस और द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. सो नाउ वॉट इज डिफरेंट हेयर दैट for basically somewhere for the first time these people are again thinking ki ha natives jo hain inke sath we should also comparatively, they should also be given certain kind of rights or maybe something should be done regarding them also. theek hai, to ab kya hua, iske karan ek law pass hua in USA
and it was Indian Reorganization Act, one of something that was really remarkable because as I said, इससे पहले उनके culture को भी somewhere decline किया जा रहा था, it was being suppressed and they were not even given the right to citizenship. तो अब ये जो Indian Reorganization Act है 1934 का, इससे natives को कुछ rights मिले. क्या राइट्स मिले नेटिव्स को? राइट्स मिले सबसे पहले तो दे कैन बाय द राइट, दे कैन बाय द लैंड, ओके बेसिकली, पर अपने एरिया में ही, जो रिजर्वेशन वाले एरिया वहां पे दे कैन बाय लैंड एंड दे कैन इवन टेक लोन्स फॉर सर्टेन काइंड ऑफ वर्क इफ दे नीड. तो दो चीजें उनको दे दी गई थी इंडियन, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1934, जस्ट रिमेम्बर इट. इसके थ्रू द नेटिव्स वर गिवन, नेटिव्स बेसिकली जो रिजर्वेशन एरिया में रहते थे, दे वर गिवन द राइट टू बाय द लैंड एंड ऑल्सो टेक लोन्स. ओके नाउ सो वी मे थिंक कि ठीक है, एक पॉजिटिव चीज हुई है एंड दीज पीपल हैव रियली स्टार्टेड थिंकिंग, तो लेट अस सी आगे क्या होता है. बट इन 1950s एंड 1960s में क्या हुआ, यूएसए एंड कैनेडियन गवर्नमेंट जो है, दे थॉट नाउ कि वी शुड एंड ऑल द स्पेशल प्रोविजंस फॉर नेटिव. क्यों सोचा इन्होंने? इन्होंने ये सोचा कि हम जो इनको स्पेशल प्रोविजंस दे रहे हैं ना, अगर हम ये स्पेशल प्रोविजंस को रोक दे या इनको मना कर दे, तो ये हो सकता है हमारे मेन स्ट्रीम में ऐड हो जाए, यानी कि ये क्या करे, यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट कर ले. You understand? So that means if we say that because you are native, so we are not giving you this right or we are not giving you these privileges, तो you may think कि ठीक है, अगर ये privileges चाहिए तो हम somewhere जो mainstream है उसमें जाके जुड़ जाते हैं, European culture में जाके adopt हो जाते हैं, ठीक है. This is what the US and the Canadian government thought कि अगर हम इनकी end कर दे special provisions तो ऐसा होगा, but ऐसा natives एकदम नहीं चाहते थे, ठीक है. Obviously they were not ready to now forgo their culture and their whatever adaptations were there, okay. In 1954 क्या हुआ, Declaration of Indian Rights was prepared by them. A number of native people accepted citizenship of USA, but on the condition that their reservation would not be taken away and their tradition would not be interfered with. तो अब 1954 में एक declaration of Indian rights prepare किया गया, जिसमें बहुत सारे natives ने बोला भी हाँ हम citizenship accept करते हैं, but हम अपने रिजर्वेशन वाली एरिया जो है और ये जो भी हमारे रिजर्व और हमारा जितना भी है कल्चर एक्सेट्रा, उससे रिलेटेड हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और जो हमारे ट्रेडिशंस हैं और हमारा जो कल्चर है उसमें हमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इन दैट, ओके. एंड सिमिलर बेसिकली डेवलपमेंट अकर्ड इन कैनेडा एज वेल, ऐसा ही एक टाइप का हम बोलेंगे कुछ चेंजेस कनाडा में भी आए थे. नाउ व्हाट वर द चेंजेस, लेट अस हैव अ लुक एट दोज आल्सो. 1969 में क्या हुआ, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट दे वुड नॉट रिकॉग्नाइज द यू कैन से जो नेटिव राइट्स है, जिसको हम अबोरिजिनल बोल देते हैं, ठीक है. तो ये वाले राइट्स जो हैं, जो हमने पहले भी इसका मतलब पढ़ा था, एबो और ओरिजिनल, मतलब पहले से जो इस एरियाज में रहते हैं, तो समवेयर यहाँ के ओरिजिनल नेटिव पीपल जो ये वाले हैं, तो अबोरिजिनल राइट्स जो हैं, इन्होंने ये बोला इन 1969 द गवर्नमेंट अनाउंस दैट दे वुड नॉट रिकग्नाइज दीज राइट्स, ठीक है. ऐसा इन्होंने बोल दिया कि हम नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ये राइट्स. नेटिव्स ऑब्वियसली चुप तो बैठेंगे नहीं, देवर बाय नाउ दीज पीपल आल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटेस्ट एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली ऑर्गेनाइज ऑपोजिशन मूव, ठीक है, सीरीज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन की, इन्होंने डिबेट्स किए एंड बट दिस क्वेश्चन कुड नॉट बी सॉल्व अराउंड बाय 1982 तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला. फिर उसके बाद इन्होंने उसके बाद आया एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट. ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट था, इसमें क्या था, दिस बेसिकली एक्सेप्टेड, व्हाट डिड इट एक्सेप्ट, इट एक्सेप्टेड द एग्जिस्टिंग नेटिव एंड ट्रीटी राइट्स ऑफ दीज पीपल, ठीक है. तो इन यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि जो नेटिव लोग हैं उनकी जो
कुछ राइट्स जो हैं वो वैसे ही रहेंगे, और हम क्या करेंगे जो ट्रीटी राइट्स है उनको वो वैसे ही एग्जिस्ट होने चाहिए, किसके, जो नेटिव अमेरिकन के थे या जो कैनेडा में नेटिव रहते थे, ठीक है। तो ट्रीटी राइट्स और जो इनके नेटिव के जो राइट्स थे वो वैसे ही रहने चाहिए, ठीक है। और इन्होंने बोला ठीक है, ऐसे बोल दिया था कि ये राइट्स रहने चाहिए, पर क्लियरली मतलब डिफाइन नहीं था, तो इसकी जो डिटेल्स है वो उसके बाद भी 1982 के बाद भी उस पर वर्क कर रहे थे, ठीक है। सो अब अगर हम देखें, ये तो एक पूरी हिस्ट्री है 1982 के बाद, फिर और वो उसको कोशिश कर रहे हैं चेंजेस लाने की, और किस तरीके से उसमें और उसको क्लैरिफाई करें, ठीक है, डिटेलिंग करेगी, सीधा लिखना कि ट्रीटी राइट्स में क्या मतलब है, ओके। सो दैट इज अब ओरिजिनल और ट्रीटी राइट्स से रिलेटेड डिस्क्राइब कर दिया। आगे अब हम अगर आज की बात करें, प्रेजेंट टाइम्स, इट इज बाय नाउ एंड सिंस वी हैव स्टडीड द होल हिस्ट्री, इट इज क्लियर टू अस दैट जो नेटिव पीपल है ऑफ बोथ द कंट्रीज, ठीक है, कौन सी वाली, अभी तक हमने यूएसए एंड कैनेडा की बात की, तो बेसिकली नेटिव पीपल ऑफ बोथ द कंट्रीज वी नो हैव एक्चुअली बीन रिड्यूस्ड टू ग्रेट नंबर, बहुत ज्यादा कम हो गया इनका नंबर, जितना 18th century में था उसके कंपैरिजन में, बट फिर भी जितना भी है दे हैव स्टिल बीन फाइनली एबल टू एस्टैब्लिश देयर ओन, जो उनका कल्चर है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने राइट्स उनको मिल गए हैं, उसकी डिमांड की थी उन्होंने, उसके लिए फाइट किया था। और पर्टिकुलरली अगर बात करें इन कैनेडा, उनके जो सेक्रेड लैंड्स हैं जहाँ पे उनके एंसेस्टर रहते थे, जहाँ से उनका हेरिटेज एडेड, मतलब जिनका जहाँ से उनकी पास्ट की सपोज कल्चर कैरी ऑन हो रहा है, और जो भी उनकी उससे रिलेटेड चीज़ें उनको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। So after lot of struggle, they have also asserted their right. They have their rights and they have kept their own culture and tried to basically somehow keep it in its, preserve it. And somewhere they have tried that it does not decline or it still stays. Okay. So this is how you can say that we have understood somehow about the whole history of the Native Americans and basically North America से related USA and Canada में कैसे क्या हुआ, and finally how do these people get their right, though their number has reduced but still they are in the condition to somewhere relate themselves to the past and retain their culture and their heritage etc. Okay. So class, this is a box that is given on your page number 226 with few of the details relating to how the natives were basically treated in the US. Okay, matlab jo aaye the bahar se. So basically Indians, the ones maybe who were not the Europeans and basically who had come from India and somewhere who were described as the Indians. The Indians in under the British rule were taxed in a manner that basically कोई rational या कोई ऐसे नहीं था कि एक system था, unsystematic, arbitrarily ले लेते, कभी ज़्यादा कभी कम, and then they were not seen equal. तभी obviously they were not given the right because it was considered that right now they are not ready to take the responsibility of representative government. That means they are not worthy or they are not that, they don't have that potential to choose and be the part of the representative government. Okay, bas tax liya jata tha unko, but they were not considered equal. Then how were the natives in America treated? They were not seen as citizens. About Australia we'll study in the later part. Okay, but rationally ye kya dete the har cheez ke piche, ये प्रिमिटिव पीपल है, सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं है, फ्यूचर ये टाउन्स, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि ये नेटिव इंडियंस के लिए इस तरीके से बोलते थे कि ये सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं करते हैं और बेसिकली टाउन्स में नहीं सेटल होते हैं, कुछ इनका मतलब समवेयर दे आर प्रिमिटिव, दैट इज व्हाई। और अफ्रीकन स्लेव्स को कैसे ट्रीट किया जाता था हमें पता है, दे वर डिनाइड विथ लॉट ऑफ राइट्स, दे वर नॉट कंसिडर्ड इक्वल, दे वर डिनाइड पर्सनल लिबर्टी एंड समवेयर दे वर कंसिडर्ड इन्फीरियर। ओके, सो थ्रू दिस बॉक्स बेसिकली दे आर टेलिंग अस दैट हाउ सर्टन पीपल आर बीइंग ट्रीटेड इन सर्टन एरियाज, ठीक है। तो हम इसको देख सकते हैं हाउ द इंडियंस वर ट्रीटेड अंडर द ब्रिटिश रूल,
ठीक है, natives in America and then African slaves in America. So these are in America, and if you want to compare it that how the British were treating the Indians, then also we can find certain kind of similarity where they are saying that the Indians were basically not ready for the representative government, that is why they are controlling, and then they were also not seen as the equal. Okay, so basically briefly हमें पता है इंडियंस जो है ब्रिटिश रूल के अंडर ऐसे उनकी ट्रीटमेंट होती थी. नेटिव्स इन अमेरिका को भी सिटीजन्स नहीं मानते थे. अफ्रीकन्स को बेसिकली पर्सनल लिबर्टी नहीं थी. सो समवेयर वी कैन, इफ यू वांट, वी कैन कंपेयर द कंडीशंस ऑफ इंडियंस अंडर ब्रिटिश रूल विद द नेटिव्स ऑल्सो इन अमेरिका एंड समवेयर इन अफ्रीकन स्लेव्स ऑल्सो इन अमेरिका. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस टेबल कि जो इंडियंस है इक्वल नहीं थे, कंसिडर नहीं थे, और ऐसा माना जाता था ये अभी तक इस चीज के लिए रेडी भी नहीं है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए. एंड नेटिव्स वर कंसिडर्ड प्रिमिटिव पीपल एंड अफ्रीकन वर नॉट कंसिडर्ड इक्वल विद नो राइट्स एटसेट्रा. ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट द नॉर्थ अमेरिकन, यू कैन से पार्ट ऑफ how the indigenous people were displaced. So I suppose everything is clear. If you have any doubt relating to the topic that we have covered, you can come back with your problem and the problems will be solved. Okay, and I suppose this box is also very clear, kind of trying to draw comparison and making us understand that how the colonist or how the other people who used to take over the other area used to treat the people. Okay, so basically how these people were treated by the Europeans who had the control over them. So this is about the table, Indians under British, natives in America and African slaves. Okay, so with this we complete about the North America. ये America और ये पूरा अपना European area का control, everything is done. Now we will be starting in our next class from Australia. ये Australia के साथ क्या हुआ था? Okay, as when we started the chapter, मैंने बोला था basically North America and Australia के बारे में पढ़ेंगे in this chapter. So we'll be starting with the new, you can say, topic of the chapter in our next class. So if you have any doubt relating to the topic that we have covered, come back with your problems. Now we'll meet in the next class.